दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। आज हम बात करेंगे ग्लोबल T20 नमीबिया मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा लायंस वर्सेस कलंदर के बीच। दोस्तों क्या होगी इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी की टीम, चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर बात करें यहाँ से लायंस के लास्ट मैच के बैटिंग स्कोर कार्ड के बारे में, तो डेलपोर्ट ने ओपन करा जिन्होंने 0 रन करे। रीजा हेंड्रिक्स की बात करें तो 55 रन इन्होंने करे। हेंड्रिक्स की बात करें दोस्तों डोमिनिक जिन्होंने 0 रन करे। लेकिन आपको एक चीज़ बताया था दोस्तों, ये बहुत तगड़े प्लेयर है, हिटर प्लेयर है, तो इनको ये मत समझना 0 रन बनाए, हल्के में मत लेना। आज फाइनल है, बड़े प्लेयर है, वैसे डोमेस्टिक में देखा जाए तो परफॉर्म कर सकते हैं। वैन की बात करें दोस्तों 20 रन करें यहाँ से। मंजे की बात करें 3 रन करें यहाँ से। विकेट कीपर की बात करें दोस्तों 28 करें यहाँ से। कॉर्नर की बात करें तो 21 रन इन्होंने करे, बाकी इतना कोई खास इधर नीचे से रहा नहीं। दोस्तों भाई सिबोटो की बात करें तो 24 रन इन्होंने करे। दोस्तों अगर बात करें बॉलिंग स्कोर कार्ड के बारे में यहाँ से, तो मौली ने यहाँ से 2 विकेट निकाले। एडम्स की बात करें कोई विकेट नहीं निकाल पाए। सिबोटो ने यहाँ से 1 विकेट निकाला। फॉर्च्यून ने 1 विकेट निकाला। डेलपोर्ट ने 1 विकेट निकाला और वहीं वैन ने 2 विकेट निकाले। दोस्तों अगर वहीं बात करें लाहौर के लास्ट मैच के बैटिंग स्कोर कार्ड के बारे में, तो मोहम्मद नईम की बात करें तो यहाँ से 34 रन इन्होंने करे। मिर्जा की बात करें दोस्तों तो यहाँ से 47 रन इन्होंने करे। नवीद की बात करें तो यहाँ से 4 रन इन्होंने करे। दोस्तों मंसूर सलीम की बात करें दोस्तों 26 रन इन्होंने करे। एहतियाज खान ने 34 रन करे, बाकी इतना किसी का कोई परफॉर्मेंस रहा नहीं। बात करें दोस्तों बॉलिंग में, तो जलद खान ने कोई विकेट नहीं निकाला बल्कि 66 रन और दे दी। उस्मान खालिद की बात करें दोस्तों बहुत अच्छे बॉलर है, इस चीज़ का ध्यान रखना, विकेट टेकर बॉलर है, 2 विकेट निकाले थे। हमजा की बात करें दोस्तों कोई विकेट नहीं निकाला यहाँ से। खान भी कोई विकेट नहीं निकाल पाए। एहसान हफीज ने 3 विकेट निकाले। वहीं दोस्तों अगर बात करें हमारी फैंटेसी टीम की, तो उससे पहले आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल में लगभग 8,000 से ज़्यादा ऑलरेडी मेंबर्स जुड़ चुके हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं कराया तो यार ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल जो टीम है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों ज्वाइन करने का, वो नीचे आपको कमेंट बॉक्स है वहाँ पर दे रखा है, तो वहाँ पर लिंक से क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाना। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। दोस्तों बात करें अगर हमारी फैंटेसी टीम की इस मैच की, तो यार उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भाई नए जिन्होंने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, तो यार यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आप सभी को पता चल जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें दोस्तों विकेट कीपर में आपके पास काफ़ी ऑप्शन हो गए अगर आप देखो तो, लेकिन अगर सेफ की बात करें दोस्तों तो यहाँ से सलीम आपके पास अच्छे ऑप्शन है। और अगर वहीं एक और ट्रम्प प्लेयर के बारे में बात करें, तो नवीद आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, जो नंबर 3 पे आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ से सलीम को रखा है। बात करें दोस्तों बैटिंग में, हेंड्रिक्स आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे। डेट्स में आपको थोड़ा नीचे खेलते हुए दिख जाएंगे, नंबर 5-6 के आसपास। प्लस 7 में बॉलिंग भी शायद डालते हुए दिख जाए, कन्फर्म नहीं है, 1-2 ओवर करा सकते, 4 तो मुश्किल है। नईम आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे दोस्तों। यहाँ से दोस्तों कैमरन डेलपोर्ट इनको छोड़ना मत, बॉलिंग भी करवा सकते हो और इनका जो सेलेक्शन है काफ़ी कम हो गया है। वहीं दोस्तों अगर आज के मैच की बात करें, तो डी हेंड्रिक्स आपके लिए टॉप ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, मैं खुद इनको रखना चाहूँगा, आफ्टर टॉस लूँगा जरूर अपनी टीम में। वहीं एक और ट्रम्प प्लेयर के बारे में बात करें, ताहिर आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे, अटैकिंग बैट्समैन है। फिलहाल मैंने हेंड्रिक्स को लिया है दोस्तों, नईम को लिया है यहाँ से और डेलपोर्ट को लिया है। बात करें दोस्तों ऑलराउंडर में, तो जॉन्स खेलेंगे तो अपडेट हो जाएगा, वैसे फाइनल है, खेल भी सकते हैं आज, तो खेलना चाहिए इनको। वैन की बात करें दोस्तों नंबर 4-5 पे बैटिंग करेंगे, प्लस बॉलिंग करके देंगे। एहसान हफीज बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको करके देंगे यहीं से। बाकी और अगर कोई बात करें तो दोस्तों यहाँ से नजर हमजा जो कि 4 ओवर करके देंगे आपको, प्लस ये नंबर 3 पे भी बैटिंग कर सकते हैं। वैसे तो हम नीचे आ रहे हैं लेकिन ये कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं तो, और 4 ओवर आपको डाल के देंगे। सिलेक्शन देख लीजिए ना के बराबर है। फिलहाल मैं इनको अपनी टीम में लूँगा, मेरे ट्रम्प प्लेयर होंगे अभी के लिए, तो वैन को लूँगा यहाँ से दोस्तों, हफीज़ को। बात करें बॉलिंग में दोस्तों, फॉर्च्यून को तो हमें छोड़ना नहीं है, काफ़ी जो रिसेंट फॉर्म में तगड़ी जा रही है विकेट निकालते हुए। जे खान को दोस्तों आप यहाँ से ज़रूर ट्राई कीजिए, डेथ में भी बॉलिंग करेंगे साथ ही ओपन में करेंगे। यहाँ से दोस्तों सिबोटो और यहाँ से मौली, देखिए दोनों आपको डेथ में बॉलिंग करके जाएंगे, यहाँ से मौली का जो है परसेंटेज काफ़ी कम है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी और अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ से एक और ट्रम्प प्लेयर उस्मान खालिद, विकेट टेकर बॉलर है, इस चीज़ का ध्यान में रखना, अभी सेलेक्शन नहीं है बिल्कुल भी इनका, तो अगर विकेट ले गए तो हमें वन साइडेड विन करवा देंगे। फिलहाल मैंने उस्मान खालिद को रखा है, फॉर्च्यून को रखा है, यहाँ से सिबोटो को रखा है और यहाँ से मौली को रखा है दोस्तों। बात करते दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो देखिए रीता हेंड्रिक्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है और यहाँ से हफीज़ आपके 2 बेस्ट ऑप्शन हो गए। अगर वहीं बात करें दोस्तों कोई थर्ड ऑप्शन के बारे में, तो वो डेलपोर्ट हो सकते हैं अगर बॉलिंग भी करवाएंगे, तो वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। फिलहाल मैंने हेंड्रिक्स को कैप्टन कराया दोस्तों, हफीज़ को वाइस कैप्टन।
दोस्तों बात करें अभी के लिए हमारी टीम प्रिव्यू का, तो कुछ हमारी टीम प्रिव्यू ऐसे दिख सकती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये फाइनल टीम नहीं है, इसमें 3 से 4 चेंज आफ्टर टॉस होंगे, तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पर मिल जाएगा, साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, फाइनल टीम आपको वहीं मिलेगी। और यार जिसने भी अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैच की वीडियो में।